हेलो एवरीवन, टुडेज वीडियो इज अबाउट अ डीआईवाई प्रोजेक्ट। आज मैं एक डीआईवाई करने वाली हूँ कुछ कपड़ों का। कुछ ओल्ड टी शर्ट्स हैं और एक मेरा पुराना, काफ़ी पुराना, मतलब 8-10 ईयर्स पुराना एक ड्रेस है। उन सभी को मैं यूज़ करके आई विल मेक 3 स्कर्ट्स। तो इस तरह से हम लोग अपने कुछ पुराने कपड़े को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मेरे टी शर्ट्स हैं, मेरे कुछ कुछ स्पोर्ट्स वेयर थे और कुछ कुछ घर में पहनने वाले, तो मैं काफ़ी साल से पहन पहन के बोर भी हो गई थी और ड्रेस भी काफ़ी साल हो गया पहने पहने। तो मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा चेंज अगर हम लोग कर सके तो एक थोड़ा एक्साइटमेंट भी आता है एंड इन अ वे यू कैन रीयूज दिस क्लोथ्स ऑल्सो। थोड़ा सा कुछ कुछ जगह में किसी का नेक में थोड़ा कलर फेड हो गया है, किसी का थोड़ा किसी और पार्ट में कुछ प्रिंट उठ गया है, तो ऐसे अगर डायरेक्टली पहनते हैं तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। बट अगर रीपर्पस करते हैं, रीयूज करते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं लुक, तो इट माइट बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रेस टू वेयर। बट मैं इनको ज़्यादातर घर में पहनती हूँ। ये वाला जो मैंने टॉप पहना हुआ है, दिस वॉज ऑल्सो अ डी आई वाई प्रोजेक्ट ऑफ माइन। ये एक स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ता था, उसमें से मैंने ये उसको टॉप बना लिया है। तो मैं इसको भी आपको दिखाती हूँ एक बार। ये ऑलमोस्ट एक नी लेंथ कुर्ता था, कॉटन का ही कुर्ता है, बहुत ही कंफर्टेबल वेयर है। तो मैंने स्लीवलेस कुर्ती को मैंने पहले नीचे से बॉर्डर थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है, इससे इसका लेंथ शॉर्ट हो गया, तो एक टॉप, एक लॉन्ग टॉप की तरह थोड़ा सा बन गया है। और उस जो बॉर्डर को मैंने कट किया था उसको मैंने ये स्लीवलेस जो था ये कुर्ती, उसमें मैंने एक छोटा सा स्लीव ऐड कर दिया है। तो एक इंटरेस्टिंग टॉप बन गया है, बहुत ही कंफर्टेबल भी होता है पहनने में, खासकर समर्स में। तो इट्स रियली अ बून टू हैव दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स टू वेयर, क्योंकि बहुत ही कम्फी हो, देखने भी अच्छा लगता एंड यू कैन टीम इट अप विद एनीथिंग। मैंने इसके साथ एक प्लाजो पहना है ऑरेंज कलर का, तो वो भी कॉटन का है, तो इन अ वे बहुत ही कंफर्टेबल लुक होता है। मैं आपको एक और बार दिखाती हूँ पीछे जाके। तो चलिए बनाया जाए ये DIY अपना, 3 स्कर्ट्स घर में पहनने वाले फ्रॉम डिफरेंट टी शर्ट्स एंड 1 ड्रेस। सो कम ऑन, लेट्स जॉइन इन। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कीजिएगा, मतलब जब भी मैं कोई एक नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल का जो फैमिली है उसको बढ़ाने में मेरा हेल्प कीजिए। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिकमेंड अदर्स ऑल्सो डू सो। तो चलिए पहले अब DIY प्रोजेक्ट बनाया जाए। हियर इज 1 टी शर्ट ऑफ माइन, दिस आई विल कन्वर्ट इन टू अ स्कर्ट। मैं इसको ये ऊपर का पार्ट कट करके देन आई विल मेक फ्रिल्स। ये मेरे कुछ स्लीव्स हैं पुराने कुर्ते के, स्लीव्स बनाने के लिए गेट एन एक्स्ट्रा क्लॉथ फॉर इट, दैट इफ यू वॉन्ट टू मेक एड द स्लीव्स टू इट देन यू कैन एड देम। तो ऐसे मेरे पास पुराने 2 रखे हैं, 2 purple and 1 black। तो ये जो स्लीव्स के पार्ट है, दिस आई विल एड टू मेक दिस 1 skirt। फिर सेकेंड आई हैव 4 t-shirts ऑफ इन 4 colors एंड वेरियस प्रिंट्स। तो इन टी शर्ट्स के बीच बीच जो कलर फेड हो गया है, प्लस इसका जो गला है वो भी खराब हो गया यूज करते करते। These were all my sports wear। तो इस तरह से 4 t-shirts है, ये 1, इज द सेकेंड 1, इज द थर्ड 1, एंड हियर इज द 4th 1। तो इन 4 t-shirts से मैं एक स्कर्ट बनाऊंगी। देन आई हैव दिस 1 ड्रेस ऑफ माइंड, ये भी ऑलमोस्ट 8-10 ईयर्स ओल्ड है इस टाइप का। तो ये भी मैं ड्रेस पहन पहन के बोर हो गई हूँ, तो इसका मैं स्कर्ट बनाऊंगी। तो
इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कट दिस अपर पोर्शन. और उसके साथ आई विल एंड एक और टी शर्ट है ब्लैक कलर का, तो आई विल मिक्स एंड मैच विद दिस. मैं एक फ्रिल टाइप बनाऊंगी उसके नीचे जाने के लिए. तो ये तीन स्कर्ट्स हैं. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स अप. तो मैंने ये इस तरह से आई हैव कट द ड्रेस फ्रॉम हियर. तो आई विल जस्ट फोल्ड दिस जिससे कि ऊपर एक बॉर्डर मिल जाए. एंड डाउन ओवर हियर लोअर पोर्शन में आई विल मेक अ फ्रिल आउट ऑफ दिस क्लॉथ विच आई हैव कट फ्रॉम द टी शर्ट लाइक दिस. लोअर फॉर मतलब दिस प्रिंटेड पार्ट विल कम इन द फ्रंट एंड दिस वे आई विल मेक द स्कर्ट. यहाँ पे ऐसा फ्रिल मैं डालूंगी इस तरह से जो मैंने ब्लैक टी शर्ट से मैंने कपड़ा निकाला है. तो इस तरह से फर्स्ट कट बनेगा.
मैंने ये टी शर्ट को ऐसे कट कर लिया है. दिस विल ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा स्कर्ट का. और ये जो मैंने अभी स्ट्राइप्स काटे हैं पर्पल एंड ब्लैक, तो मैं इस नीचे की तरफ मैं पहले पर्पल से एक बॉर्डर दे दूंगी एंड देन पर्पल के नीचे आई विल गिव दिस नैरो एक और ब्लैक बॉर्डर. तो इस तरह से मेरा ये सेकेंड स्कर्ट भी रेडी हो जाएगा. So this way I will cut all the four t-shirts which I have and मैं इनको ऐसे एक साथ जोड़ के मैं एक फ्रिल टाइप स्कर्ट बना लूँगी. दिस विल ऑल्सो विल बी अ आई थिंक नी लेंथ ही बनेगा. तो ये मैंने अभी एक टी शर्ट को इस तरह से कट किया है और इस तरह से बाकी तीनों को भी कट कर लूँगी. और वो जो एक्स्ट्रा इसका जो अपर पोर्शन बच रहा है दैट आई विल यूज़ फॉर मेकिंग बॉर्डर्स एंड ऑल. तो इस तरह से बाकी तीनों टी शर्ट को कट करके भी एक और स्कर्ट बना लूंगी. सो फॉर द फोर्थ स्कर्ट आई विल मेक अ पट्टी आउट ऑफ दिस. ये सामने की तरफ आ जाएगा एंड ये पीछे की तरफ. मैं इनको ज्वाइन करके आई विल स्टिच इट फ्रॉम हियर. एंड वो जो मैं टी शर्ट्स के जो मैंने चार टी शर्ट्स के जो मैंने कपड़ा निकाला है उनको मैं यहाँ से ऐसे फ्रिल कर करके आई विल जॉइन इट टू इट. सो मेरा ये जो बॉर्डर है वो रेडी हो गया स्कर्ट का जो ऊपर की तरफ आएगा. एंड नाउ आई विल सिंपली एड स्टिच द प्लीट्स टू इट.
सो द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्कर्ट आई हैव मेड, ये पट्टी के नीचे वाला लेयर बनेगा स्कर्ट का ऐसे, और अब मैं सेकेंड लेयर बनाऊंगी। ये है सेकेंड लेयर, सेकेंड लोअर लेयर ऑफ द स्कर्ट। अब मैं ऊपर वाला और सेकेंड लेयर को एक साथ जोड़ दूंगी। तो ये मैंने इस तरह से सारे पट्टियाँ जोड़ दी हैं, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर, एंड हियर आई हैव मेड प्लीट्स विद द बॉर्डर। ये मैंने इस तरह से ये अपर लेयर एंड लोअर लेवल को जॉइन करके ये जो मैंने पट्टी बॉर्डर बनाया था उसके साथ ऐसे प्लीट्स करके मैंने जॉइन कर लिया है। ये पीछे का साइड है जहाँ से मैंने इसको इस तरह से प्लीट्स कर करके ये प्लीट्स बना बना के मैंने इसको स्टिच कर दिया है, और ये सामने ऐसे दिख रहा है। अब मैं साइड से इसको ये साइड से मैं इसको स्टिच कर लूंगी, तो अपना ये फर्स्ट स्कर्ट रेडी हो जाएगा। और ये मेरा फर्स्ट स्कर्ट रेडी हो गया है। तो सेकेंड स्कर्ट बनाने के लिए ये जो एक ब्लैक कलर का टी शर्ट था उसका जो नीचे का पार्ट है उससे मैं उसको मैं इस तरह से आई विल फोल्ड इट, जिससे कि इलास्टिक या नाड़ा या कुछ भी डाल सको। तो मैं तो पर्सनली नाड़ा पसंद करती हूँ घर में पहनने के, जिससे कि थोड़ा लूज भी कर सके, टाइट भी कर सके एज पर माई नीड्स, बट आप इसमें इलास्टिक भी डलवा सकते हो। सो आई विल जस्ट फोल्ड वन, आई विल जस्ट गिव वन फोल्ड ओवर हियर, जिससे कि नाड़ा इलास्टिक जा सके। तो ये उस इस तरह से ऊपर का बन जाएगा, और नीचे की तरफ ये जो लोअर पार्ट है मैं जो इस कलर का जो मेरे स्लीव्स हैं पुराने कुर्ती के एक्स्ट्रा स्लीव्स रखे थे, तो इनसे मैं ऐसे बॉर्डर बना लूँगी, और एक ऐसे एक और नैरो बॉर्डर ब्लैक का। तो एक ये बॉर्डर मैं सिल्क पहले स्टिच करूँगी, और फिर एक इसके साथ इसको ऐड कर दूँगी, एंड देन आई विल जॉइन ऑल द थ्री टू मेक द सेकेंड स्कर्ट।
So here my second skirt is ready also. ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ मैंने पर्पल एंड ब्लैक ज्वाइन कर दिया है. तो इट लुक्स लाइक दिस. यहाँ पे बॉर्डर सिल्क दिया है. इसमें आइदर यू कैन पुट इलास्टिक बट मैं तो नाड़ा डालूंगी. तो यहाँ से आई कैन पुट इट इनसाइड. तो ये ऐसे दिख रहा है नीचे की तरफ ऐसे और ये ऊपर की तरफ. अभी थर्ड स्कर्ट बनाऊंगी. तो ये जो मैं ड्रेस का पार्ट था ये ऐसे है. मैं यहाँ पे भी एक बॉर्डर बना लूँगी जिससे कि आई कैन पुट इलास्टिक या फिर नाड़ा भी डाल सकते हैं. स्कर्ट के नीचे में मैं ये जो एक ब्लैक कलर का मेरा टी शर्ट था उससे मैं फ्रिल दे दूँगी. तो मैं इसके साथ ये मैं फ्रिल बनाऊँगी इनसे. ये ऐसे जो है इससे फ्रिल बन जाएगा उसके स्कर्ट के लोअर साइड में. सो माई स्टिचिंग इज़ कम्प्लीट. अब मैंने तीन स्कर्ट बनाए तो मैं आपको पहले ही दिखा दूँ. मैं ना इन सब में नाड़ा लगाऊंगी क्योंकि घर में पहनने के लिए आई एम मोर कम्फर्टेबल विद अ नाड़ा. कभी अगर चाहो ढीला कर सको टाइट कर सको. बट अगर आप बनाओ तो यू कैन ऑल्सो पुट इलास्टिक इंस्टेड ऑफ नाड़ा. तो ये फर्स्ट स्कर्ट है. यहाँ पे मैंने ये टी शर्ट को जानबूझ के ये प्रिंट रखा है तो इट विल गिव सम थोड़ा सा डिफरेंट लुक देगा. तो दिस इज द फर्स्ट स्कर्ट. ये सेकेंड स्कर्ट है. इसमें ये इस तरह से नीचे की तरफ पर्पल और ब्लैक मैंने बॉर्डर्स को ज्वाइन कर लिया था. तो और ये क्योंकि ये शाइनी मटेरियल है इस टी शर्ट का तो इसलिए मैंने शाइनिंग मटेरियल वाला ही बॉर्डर यूज किया है. मैच कर गया ये. तो ये एक हो गया है. एंड थर्ड इज फोर टी शर्ट्स को मिला के मैंने बनाया है. तो ये इस तरह का लुक आया इसका. और ये बैक साइड मैंने जानबूझ के ही ये जो प्रिंट पार्ट है टी शर्ट्स को सामने रखा है तो थोड़ा एक अलग टाइप के लुक के लिए. पीछे वाले में प्लेन वाले साइड को मैंने ज्वाइन किया है. तो ये स्कर्ट इस तरह से दिख रहा है. अब मैं इनको पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. सो हियर इज माई फर्स्ट लुक. ये मैंने फर्स्ट स्कर्ट अपना पहन लिया है. तो अब मैं आपको थोड़ा पीछे जाके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है. अभी मैं सेकेंड वाला स्कर्ट दिखा रही हूँ. ये थोड़ा शॉर्ट बना है बाकी दो स्कर्ट से. एंड दिस वन आई मेड फ्रॉम वन टी शर्ट एंड टू स्लीव्स ऑफ अ डिफरेंट कुर्ता. तो लेट मी शो यू. एक बार पीछे जाके दिखाती हूँ. थर्ड एंड द फाइनल स्कर्ट. ये मैंने चार टी शर्ट्स को मिक्स एंड मैच करके बनाया है.
तो होपफुली आपको मेरा ये DIY पसंद आया होगा. इन केस अगर आपके पास सुइंग मशीन नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू कि आप अपने किसी लोकल टेलर के पास जाके इस तरह से कुछ उनको आइडिया दे सकते हैं. उन लोग भी कई बार हेल्प करते हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं. आपको सिर्फ कट करके देना है या फिर थोड़ा अंदाज़ा करके बता देना है क्या चाहिए आपको. तो इवन देन ऑल्सो यू कैन मेक डू समथिंग DIY लाइक दिस फॉर योर सेल्फ. तो ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, रीयूजबल हो गया क्लॉथ को और देखने में अच्छा ही लग रहा है. घर में पहनने के तो बहुत ही अच्छा है. तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो मिलती हूँ मैं फिर से आपके साथ एक और नए वीलॉग के साथ. तब तक के लिए बाय, सी या.